पिछले पीरियड में हमने पाठ विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, परस्परावलंबन, विदेश नीति, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, राष्ट्रसंघ की स्थापना, राष्ट्रसंघ की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध आदि के बारे में पढ़ा। साथ में हमने ये भी देखा कि परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो शहरों पर किस प्रकार किया था। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं शीत युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत रशिया युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंदिता ने ले लिया, क्योंकि ये दोनों ही देश महाशक्ति वाले देश थे और दोनों ही महासत्ता के रूप में आगे आना चाहते थे और अपने देश को मजबूत बनाना चाहते थे। यह प्रतिद्वंदिता वैश्विक राजनीति में 40 से 45 वर्षों तक चलती रही। इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, पर युद्ध की ज्वाला कभी भी धधक सकेगी, इतना तनाव इनके संबंधों में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। इस कालावधि में अमेरिका तो महासत्ता थी ही, पर सोवियत यूनियन ने भी आणविक प्रक्षेपणास्त्रों की निर्मित कर अपनी सैन्य सामर्थ्य बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया। अमेरिका तथा सोवियत संघ, इन दो महासत्ताओं का संघर्ष सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच भेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति, इन सभी बातों के कारण ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध के परिणाम, अब ये शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए? सैन्य संगठनों का निर्माण। शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया, क्योंकि अपनी अपनी सत्ता को अगर आगे बढ़ाना है तो सैन्य बल बहुत मजबूत होना चाहिए। उनमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। नाटो किसका सैन्य संगठन था? नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। उसी प्रकार वर्साय समझौता या सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। विश्व का द्विध्रुवीकरण। शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश देश दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हुए थे। एक जो गुट था वो अमेरिका की तरफ चला गया था, दूसरा जो था वह सोवियत यूनियन की तरफ आ गया था। राष्ट्रों का इस तरह दो गुटों में विभाजन होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना है। इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया, तनाव का क्षेत्र फैल गया। शस्त्रास्त्र स्पर्धा। एक दूसरे को शह और मात देने के लिए महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रों का निर्माण करने लगे। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपणास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई, किंतु इन प्रक्षेपणास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ जाएगी, इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण
प्रक्षेपणास्त्रों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास भी इसी समय में हुए। वे दोनों महासत्ताएं आपस में, इनके बीच में एक शीत युद्ध था, लेकिन और इसके साथ साथ फिर वे अपने सैन्य संगठनों का भी निर्माण कर रहे थे। हाँ, और इससे क्या हुआ, हर राष्ट्र जो हर दो जो दोनों महासत्ताएं थी वो राष्ट्रों को अपनी ओर क्या कर रही थी, खींच रही थी। इस प्रकार विश्व का विध्रुवीकरण भी हुआ, फिर शस्त्रास्पर्धा भी बनी। लेकिन इन सब के साथ ही साथ उन महासत्ताओं को यह एहसास भी हो गया था कि जिस प्रकार से वे प्रक्षेपण अस्त्र व शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, इससे विश्व शांति खतरे में ज़रूर आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। महासत्ताओं की ओढ़ में विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। कोई भी राष्ट्र यदि आर्थिक रूप से मजबूत होता है, जहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, निवेश नवे होते हैं, विदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। तो हर एक राष्ट्र को आर्थिक विकास क्या लगता था, महत्वपूर्ण लगता था। यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया, तो दक्षिण एवं एशिया देशों ने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि एशियन संगठन का निर्माण किया। नेक्स्ट टॉपिक है गुट निरपेक्षतावाद। शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उस कालावधि में एक और विश्व का द्विध्रुवीकरण हो रहा था, पर उसी के साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था। कुछ देश ऐसे थे जो ना तो अमेरिका महासत्ता में शामिल होना चाहते थे और ना ही सोवियत यूनियन की सत्ता में शामिल होना चाहते थे। तो ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की। इसे गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। गुट निरपेक्षतावाद शीत युद्ध काल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन ये क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षता विचार का समर्थन किया। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुट निरपेक्षता आंदोलन का मूल्यांकन, अब इसका मूल्यांकन करके देखते हैं क्या मूल्यांकन था। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया है। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने को प्रोत्साहन दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद के काल में भी इस आंदोलन को भारत ने सक्रिय समर्थन दिया है। तो भारत एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र रहा है। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी इस आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन मानवतावादी, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया।
निरस्त्रीकरण मानवाधिकारों का संवर्धन के संबंध में आग्रहपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा अविकसित राष्ट्रों की समस्याएं दृढ़ता के साथ रखीं। आंदोलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIO की मांग की। संक्षेप में कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। इस आंदोलन ने अल्पविकसित राष्ट्रों को एकत्र आने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनेक वैचारिक प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए। इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, परंतु इसके बाद भी जो गुट निरपेक्षतावाद का प्रारंभ हुआ था यह ख़त्म नहीं हुआ। इस आंदोलन का बहुत महत्व रहा और अभी तक महत्व है, क्योंकि इस आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया था। शांतिपूर्ण मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के प्रयास को प्रोत्साहन दिया था। गुट निरपेक्षतावाद वाले जो राष्ट्र थे उन्होंने मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे मूल्यों को अपना आधार माना था। उन्होंने अल्पविकसित राष्ट्रों को एक होने के लिए प्रेरित किया था। इस प्रकार एक उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की थी, किसके लिए? गरीब तथा अविकसित राष्ट्रों के समस्याओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति तो हो गई, परंतु गुट निरपेक्षतावाद का जो आदर्श लेकर राष्ट्र चल रहे थे वो ख़त्म नहीं हुआ। शीत युद्ध का अंत। वर्ष 1945 से वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली रहा शीत युद्ध बाद में समाप्त हो गया। शीत युद्ध का अंत पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। शीत युद्ध के समाप्त होने में अनेक बातें जिम्मेदार थीं, जैसे पहला, सोवियत रशिया ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया, देश की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण को शिथिल किया। सोवियत रशिया के तत्कालीन अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्टोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलापन नीतियों पर अमल किया। इन नीतियों के कारण माध्यमों पर से नियंत्रण कम हुआ। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, अर्थात इस क्षेत्र में पुनर्रचना की गई जिससे लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध के समाप्ति में सोवियत रूस ने, सोवियत रशिया ने अपने नियमों में काफ़ी शिथिलता लेकर आए। पूर्वी यूरोप के सोवियत रशिया के प्रभाव वाले देशों द्वारा पूंजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के कारण वहां की शासन सत्ताएं बदल गईं। सोवियत रशिया का विघटन हुआ, फलतः अनेक नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। रूस सोवियत रशिया का बड़ा देश था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे शीत युद्ध उत्तर विश्व। शीत युद्ध के बाद विश्व का कैसा विश्व में अब हम पढ़ेंगे शीत युद्धोत्तर विश्व। शीत युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए ये हम पढ़ेंगे। सोवियत रशिया के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ। किसी समय
महासत्ता रहे इस सोवियत रशिया के विघटन से विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा। राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हुआ। पूंजी, श्रम, बाजार, सूचना, इनका विश्व भर में प्रसार हुआ। लोगों में विचारों और कल्पनाओं का भी मुक्त संचार होने लगा। सभी राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंधों को प्रधानता देने का निश्चय किया, जिससे अन्य राष्ट्रों की सहायता करने की कल्पना पिछड़ गई। इसके बदले आर्थिक संबंध प्रस्थापित करने के प्रयास होने लगे। अर्थात पहले अपने किसी विरोधी राष्ट्र को शत्रु राष्ट्र कहा जाता था, इसलिए अब उसके बदले स्पर्धक राष्ट्र की अवधारणा सामने आई। शब्दों के चयन से ही देखो वही चीज़ का अर्थ कितना बदल जाता है। बात वही है, शत्रु राष्ट्र, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया गया, स्पर्धक राष्ट्र की अवधारणा सामने आई। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई। वैश्विक शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों को अधिक ठोस प्रयास करने पड़ रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना, इन मुद्दों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ। अब ये वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इस पाठ के आधार पर हम समझेंगे कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। शीत युद्ध के बाद व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में खुलापन आया। इसके पूर्व कहे अनुसार पूंजी, श्रम, बाजार और सूचनाओं का विश्व भर में संचार होने लगा। विश्व भर के लोगों में विचारों एवं कल्पनाओं का आदान प्रदान बढ़ गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति से विश्व की घटनाएं और गतिविधियां सुदूर मालूम होने लगीं। देशों की सीमा रेखाओं का पहले जितना महत्व नहीं रहा। इन सब प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण कहा जाता है। विश्व के साथ जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के जैसे कुछ लाभ हुए हैं तो वैसे ही कुछ हानियां भी हुई हैं। जैसे विविध राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाने से व्यापार बढ़ा, आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा, बाजारों में माल की उपलब्धता बढ़ी, परंतु इसी के साथ साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी कम नहीं हुई। फिर इस प्रकार हमने इस अध्याय में वर्ष 1945 से वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन किया। शीत युद्धकालीन विश्व उसके शस्त्र स्पर्धा तथा निरस्त्रीकरण का प्रयास समझा। वैश्वीकरण के अर्थ का अध्ययन भी किया। अगले अध्याय में हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वैश्वीकरण ने बाजार में खुलापन लाया, व्यापार में वृद्धि की तथा लोगों के विचारों एवं कल्पनाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा राजनीति शास्त्र का पहला पाठ, विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले पीरियड में, अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हल करेंगे।